ये जब एक लेने आए थे तो एक सामान्य बिरादरी से थे, तो पूछे कि ये बताइए कि 2 लाख रुपया भी आना भी दे दिए, तो एक ये झंडे वाले कौन है, तो कहे ये प्रोफेसर हैं, चमार हैं। तो वो अपना काम ऐसा करो कि हमारा बयाना दे, हम यहाँ नहीं रहते। ये चाणक्य से आता है, ये दक्षिण टोले का जो कंसेप्ट है ये पूरा चाणक्य से आता है। आप उसके चैप्टर में चले जाइए कि बहुजन का, शूद्रों का, चंडालों को आपने बस्ती में कहाँ बसाना है। दक्षिण टोला दरअसल हर गांव में दलित बस्तियां, दक्षिण टोला पश्चिम टोला मुसलमानों का होता है। हम बता क्यों, क्योंकि देखिए अभी भी शहरों में आप जाएंगे या गांव में जाएंगे तो दक्षिण मुखी मकान नहीं लेते हैं, क्योंकि कहते हैं क्यों, क्योंकि उसको अशुभ मानते हैं और अशुभ से रिलेटेड करते हैं। ये जो जो बसा रहा हूँ इसका उद्देश्य जमीन नहीं है, इसका उद्देश्य जो है IIT है, उसका उद्देश्य जो है नीट है, उसका उद्देश्य CBSE बोर्ड है, उसका उद्देश्य ISPCS में कैसे जाएगा, कैसे वो CSAT को क्रैक करेगा, क्योंकि वहां जाल लगाई गई है CSAT वाली। सरकारी खर्चे पे अंधविश्वास परोसा जा रहा है कि सरकार उस पर बजट दे रही है कि जो है आपको अब ये वाला पूजा में इतना लगाना है, ये वाले पूजा लगाना है, ये वाले में लगाना है, ताकि अब ये चीज ये साबित करता है कि स्कूल में पढ़ाना नहीं, नहीं पढ़ाना नहीं, ये पढ़ने ना पाए और इनको ज्यादा से ज्यादा धार्मिक प्रायोजन में उसको महत्व दिया जाए, ताकि ये पढ़ाई के धारा मैंने इनको दिशा विहीन करना है एक तरह से। कहा बाबा साहब ने कहा था कि शहरों की तरफ बढ़िए और उच्च शिक्षा ग्रहण करिए, लेकिन उच्च शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान का भंडार होना चाहिए, नौकरी उद्देश्य मत बना लीजिएगा एकदम से। जो आज की डेट में नौकरी लोग बना लिए हैं और वो जान गए हैं विषमतावादी कि नौकरी को समाप्त कर देंगे तो ये समाप्त हो जाएंगे। चमार जाति के नाम पर न तो कोई किराए पे कमरा देता है, न तो कोई जमीन देता कोई सोसाइटी वाला। मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं और आज चौपाल लखनऊ में लगी है। हमारे साथ खास मेहमान हैं, शमसुल इस्लाम साहब हैं, ऑनलाइन आपने खूब सुना है इनको। डॉक्टर राजेंद्र वर्मा हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, शमसुल साहब पॉलिटिकल साइंस साइंटिस्ट हैं, और RB सिंह बौद्ध साहब पहले भी आप सुन चुके हैं इनको अम्बेडकर नामा पर। ये यहाँ पर रियल एस्टेट का काम करते हैं और सिर्फ फूले और अम्बेडकरवादी को ही जमीन और मकान देते हैं, ये ना जी सर। आज कई पहलुओं पर बात करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा संदर्भ समझा दूं कि हर गांव में एक दक्षिण टोला है। दक्षिण टोला का मतलब क्या होता है कि वहां के दलित को एक कोने में टोले में बसा दिया जाता है। और डॉक्टर अम्बेडकर ने भी लिखा है कि हर गाँव में एक साउथ अफ्रीका है, तो आप समझिए। लेकिन उसी दक्षिण टोला को अगर बेहतरीन बना दिया जाए, फर्स्ट क्लास 4 तल्ले का ये जिस बिल्डिंग में मैं बैठा हुआ हूँ और फर्श वगैरह देखिए एकदम मार्बल्स और टाइल्स चकाचक लगा हुआ है, तो उसी दक्षिण टोला को अगर कंक्रीट का बेहतरीन फ्लैट के साथ बना दिया जाए तो कैसा लगेगा, आप भी रहना पसंद करेंगे। बात होगी दक्षिण टोला पर भी और बात होगी आज इनके, ये सांस्कृतिक इंजीनियर है पेशे से, लेकिन गीत भी बनवाते हैं, गाना भी लिखते हैं, बनाते भी हैं और पूरे सांस्कृतिक आंदोलन से जुड़े हुए हैं। शमसुल इस्लाम साहब इस नाटककर्मी हैं, प्रोफेसर होने के साथ साथ नाटककर्मी हैं, इनकी टिप्पणी भी लेंगे और वर्मा साहब की भी टिप्पणी लेंगे। स्वागत है आप सभी का। जय भीम सर, ये बताइए, फिर दोबारा वही सवाल पूछ रहा हूँ कि इतने सारे लोग नौकरी के पीछे भागते रहते हैं, आप IIT से MTech हैं जी, सीधा कितने यहाँ पे मकान आपने बनवाए यहाँ पर, कहाँ कहाँ प्रोजेक्ट चल रहा है एक्चुअली जो है, और ये झंडा लगाए ऊपर जी, बाबा साहब का झंडा है, उस पर बाबा साहब की फोटो लगी है, 3 मीटर का झंडा स्पेशली वो दिल्ली से आता है। अच्छा, तो ये शान है, इसको देख करके जो है कि एक भाई गर्मी आती है हमारे समाज में, पूर्वांचल का आदमी आता है तो जो है जहाँ जिस शहरों में 50-60% लोग जात छिपा के रहते हों और कहीं सवर्णों के बीच में कोई फंस गया है तो उसको जात छिपाना उसकी मजबूरी हो गई है, क्योंकि लोग इतना परेशान कर देते हैं और चमार जाति के नाम पर न तो कोई किराए पे कमरा देता है, न तो कोई जमीन देता कोई सोसाइटी वाला। ऐसे माहौल में हमारे दिमाग में आया कि भाई ये बसेंगे कैसे शहर में, और बाबा साहब ने कहा था कि शहरों की तरफ बढ़िए, शहरों की तरफ बढ़िए, शहरों की तरफ ही विकास है। उस केस में शहर के तरफ बढ़े तो कैसे बढ़े, हर आदमी तो एकदम बैठा हुआ है कि आओ तुमको हम बताते यहाँ पे ना। ऐसे केस में ये प्रोजेक्ट मैंने शुरू किया और 6 कॉलोनियाँ हमने बसाई है बुद्ध अम्बेडकर वालों की, और 7वें 8वें 9वें पे बुकिंग चल रही है।
चल रही है जी, अभी बुकिंग चल रही है और जब से इंटरव्यू आपका वायरल होने लगा है सोशल मीडिया पे। अरे मेरा क्या है, मैं तो आम सा आदमी हूँ। हाँ, तब से तमाम जो है संपर्क लोग कर रहे हैं कि ये हर राज्यों के हर राजधानी में कम से कम ये प्रोजेक्ट शुरू होना चाहिए, क्योंकि हर जगह लोग पीड़ित है जातिवाद से। इसलिए यह एक देश का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है कि जो इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए कि हमारे समाज का आदमी शान से रहे, कि बुद्ध अम्बेडकर की आइडियोलॉजी के साथ जी सके। तो बाबा साहब ने कहा था कि शहरों की तरफ बढ़िए और उच्च शिक्षा ग्रहण करिए, लेकिन उच्च शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान का भंडार होना चाहिए, नौकरी उद्देश्य मत बना लीजिएगा एकदम से। जो आज की डेट में नौकरी लोग बना लिए हैं और वो जान गए हैं विषमतावादी कि नौकरी को समाप्त कर देंगे तो ये समाप्त हो जाएंगे, और आज की डेट में फंस गया है मामला। तो तीसरी बात बाबा साहब ने कहा था कि आप व्यवसायिक गुण सीखिएगा, व्यवसायिक गुण सीखिएगा, क्योंकि उनकी जो पीएचडी थी अर्थशास्त्र में थी और विश्व स्तर के अर्थशास्त्री थे वो, तो उन्होंने कहा था व्यवसायिक गुण सीखिए, शहरों में संभावना है, गांव में व्यवसाय नहीं चल पाएगा आपका। और चौथा बताया था राजनीति जरूर करिएगा, कि राजनीति गुण सीखिएगा, कि वोट का महत्व समझिएगा, कैसी सरकारें बनती हैं, किस तरीके से हमारी सरकार बनेगी तो हमारे लिए काम कर पाएगी, ये बातें बताई थी। लेकिन उसके पहले एक सबसे इम्पॉर्टेंट बताया था, देखिए 67 माने 67 साल पहले हिंदू धर्म उन्होंने छोड़ दिया। तो ये पांचवी बात हो गई कि सबसे पहले है कि भाई जो बुद्ध अम्बेडकर को अपने आप का अनुवाई कहता है, जय भीम नमो बुद्धाय कहता था, कह रहा है, वो चारों पांचों बातों को जो फॉलो करेगा तभी उस लाइन को पकड़ पाएगा और तभी विकास हो पाएगा उसमें। तो कितना कितना प्लॉट बेच चुके हैं तब, इनकम टैक्स वाला पकड़ता तो नहीं है आजकल? ईडी सारी चीजें सब उसमें हमारा बकायदा सब इसमें रहता है, रिटर्न में रहता है सब, कानूनी तौर पे सही है, कानूनी तौर पे सही है। क्योंकि देखिए ऐसा होता है ना, हमको ये पता रहता है कि जैसे तीन तरह के प्रोजेक्ट चल रहे हैं देश के अंदर। एक तो मैंने आपको पहले भी कई इंटरव्यू में बता चुका हूँ कई लोगों को, कि देखिए 1,90,00,000 बच्चा 1 से 8 तक प्राइमरी स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, जिसकी टोटल बजट खाने का, कपड़े का, किताब का लेकर के 6,525 करोड़ रुपए का है। तो इतना सरकार रुपया खर्चा करके और दिमाग लगाती है कि इनको पहले पैदल करो, इन 1,90,00,000 को 8 साल में पैदल कर लेना है, क्योंकि ये मेहनती समाज है, मेहनती समाज है, पढ़ लेगा तो पढ़ के निकल जाएगा। एक तो जाल यहाँ लगा दी गई है, दूसरी जाल लगी है कि यदि इस जाल को काट के कोई निकल भी गया है वहीं से, तो पढ़ाई जब कर लेता है तो आज देखिए पूरा बीटेक पॉलिटेक्निक बीबीए एमबीए बीएड बीटीसी करके गांव का गांव बैठा हुआ है, एकदम वैकेंसी निकलने नहीं दे रहे 10 साल में, इनकी नौकरी ना लग जाए आपको बता। दूसरा जाल ही लग गया। तीसरा यह है कि जो नौकरी कर रहे हैं उनको एकदम से लगाया गया है कि इनको इतना परेशान कर दो, ये बीआरएस ले लें, चाहे इतना तंग कर दो कि जो है सांस लेना मुश्किल हो गया नौकरी में, आपको बता रहे हैं जो लोग फीडबैक। हम लोग तो लड़ ही रहे हैं मोर्चा खोले हुए। तो ये तीन मोर्चे पे इतना ज्यादा घेराबंदी हो गई है कि इनको किसी तरीके से रोको, कि ये पढ़ा लिखा समाज, मेहनती समाज है, सबसे बड़ी बात है मेहनती समाज है, ये पसीना बहाने वाला समाज है, और जो बिना पसीना बहाने वाला समाज था, जो हजारों साल से खाता रहा है। आपको हम बता दें कि गांव साइड में मुझे याद है जब हम लोग बचपन में थे तो गांव खेती के बाद तुरंत जो है गुरुदेव जी लोग आ जाते थे, महाराज जी लोग आ जाते थे, और लड़िया टायर बैल ले करके बाकायदा घर घर से बोरा लाद लाद के जाता था, बढ़िया दूध, बढ़िया दही, बढ़िया फल, जो प्रकार का होता था, गुरुदेव जी का है, महाराज जी का है। अब वो आप श्रम कर रहे हैं देते थे, अब पता चला कि अब उनको श्रम करना पड़ेगा क्योंकि लोग जागरूक हो रहे हैं। और सरकारी खर्चे पे आपको बता दें, सरकारी खर्चे पे अंधविश्वास परोसा जा रहा है कि सरकार उस पर बजट दे रही है कि जो है आपको अब ये वाला पूजा में इतना लगाना है, ये वाले पूजा लगाना है, ये वाले में लगाना है, ताकि अब ये चीज ये साबित करता है कि स्कूल में पढ़ाना नहीं, नहीं पढ़ाना नहीं, ये पढ़ने ना पाए और इनको ज्यादा से ज्यादा धार्मिक प्रयोजन में उसको महत्व दिया जाए, ताकि ये पढ़ाई के धारा मैंने इनको दिशा विहीन करना है एक तरह से कह दीजिए। जितना मोहल्ला बसाए हैं, जितने लोग आपने मतलब प्लॉट बेचा है या कंस्ट्रक्शन किया है, तो सारे सरकारी नौकरी वाले अफसर भी होंगे, इंजीनियर होंगे, तमाम उसमें साहब सरफाई कर्मचारी से लेके हम कोशिश करते हैं कि देखिए जो बड़ा होता है जिसे पीसीएस आईएस को बताने वाले 50 लोग, लेकिन जो सफाई कर्मचारी है, जो क्लर्क है, जो बाबू है, जो पुलिस का सिपाही है,
वो समझ नहीं पाता है कि उसका उस कैसे पढ़ाना है। हालांकि वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है क्योंकि वो जान गया है ये जो लोग यहाँ पे बसे हैं जी जी, तो उनमें वो चेतना है कि एक कंफर्ट जोन में रहे, बहुत बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा और शान से लोग रह रहे हैं और सबने ये समझ लिया है कि हम शहर में रहेंगे तभी जाके नीट की तैयारी होगी, IIT की तैयारी होगी और CBSE बोर्ड में पढ़ा पाएंगे, इंग्लिश मीडियम में पढ़ा पाएंगे। हिंदी मीडियम की पढ़ाई का, UP बोर्ड की पढ़ाई का वो झेल चुका है, कंपटीशन देख के आ रहा है, झेल रहा है ना, बता रहे हैं आपको, BTEC करके आ रहा है, 10-15 हज़ार की नौकरी पा रहा है। आज यदि वो अंग्रेजी बोलना खाली जान गया होता तो कहीं भी 50 हज़ार से लेकर 1 लाख की नौकरी पा जाता, केवल भाषा का इतना अंतर है जानने के। तो ये जो बसा रहा हूँ इसका उद्देश्य जमीन नहीं है, इसका उद्देश्य जो है IIT है, उसका उद्देश्य जो है नीट है, उसका उद्देश्य CBSE बोर्ड है, उसका उद्देश्य IS PCS में कैसे जाएगा, कैसे वो CSET को क्रैक करेगा क्योंकि वहाँ जाल लगाई गई है CSET वाली। नहीं तो मैं तो फोन नंबर आपका डाल देता हूँ, धमकियों की तो कहीं से नहीं मिला अब तक। नहीं नहीं, बहुत सराहना लोग करते हैं, हमारी बड़ी सराहना हो रही है। आप खास तौर से आप जैसे लोग इंटरव्यू लेने आ जाते हैं तो ये होता है कि भाई इतनी बड़ी हस्ती इनके घर आ जाती है तो उसमें हमारा भी सम्मान बढ़ गया। शमसुल साहब, हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, पढ़ाया है, और जब हम लोग दिल्ली आए थे तो ये कल्पना लोक में आए थे कि शहर में लोग अच्छे होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, वहाँ जात पात नहीं होगा, ये होगा। लेकिन जाकिर हुसैन कॉलेज में मेरी पहली नौकरी जब लगी थी और मैं पटपर गंजन मकान लेने गया था तो पूछा क्या करते हैं, बोले जाकिर हुसैन कॉलेज में पढ़ाते हैं, तो उन्होंने कहा मुसलमान हो क्या, 98 की बात कर रहा हूँ। तो जो एक कल्पना लोक में लोग आते हैं शहरों में, शहर उससे अछूता नहीं है, जात और धर्म के नाम पर पूरा ये सब मकान भी मिलते हैं, अपार्टमेंट भी मिलते हैं, ज़मीन भी मिलती है। ये जो इनिशिएटिव इन्होंने लिया है कि हम लैंड डेवलप करेंगे और सिर्फ फूले अंबेडकरवादियों को ही ज़मीन देंगे शहरों में, कैसे, बिकॉज यू आर सोशियोलॉजिस्ट एक्टिविस्ट ऑल्सो, तो कैसे देख रहे हैं इस इनिशिएटिव को? डॉक्टर रतनलाल, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है, मतलब मैं कल से लखनऊ में हूँ जी, और आपने बताया था, आप दिल्ली में मुझे बता चुके हैं कि एक ऐसे बिल्डर हैं, एक बहुजन बिल्डर हैं जो ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब उछल रहा हूँ मैं, मेरा दिल दिमाग जो है, वजह यह है कि हम ये तमाम बताते रहते हैं कि ये जो ब्राह्मणवादी जो समाज है वो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो घट रही हैं, जैसे एक 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 रिसर्चर के तौर पे मैं जानता हूँ कि ये चाणक्य से आता है, ये दक्षिण टोले का जो कंसेप्ट है ये पूरा चाणक्य से आता है। आप उसके एक चैप्टर में चले जाइए कि बहुजन का, शूद्रों का, चंडालों को आपने बस्ती में कहाँ बसाना है, और मैं ये सवाल उठा रहा हूँ डॉक्टर रतनलाल कि अभी पार्लियामेंट जो नई बनाई है मोदी जी ने, उसमें ये कमरे कहाँ रखे गए, उनके सारे घर बने वो कहाँ बने, वो भी दक्षिण में होंगे। अच्छा, मैं आपसे कह रहा हूँ क्योंकि उसके बिना वो मोदी ने बनवाया नहीं होगा वो। ये आप देखिए, ये दक्षिण टोला का डिबेट हम बढ़ाते हैं। जी हाँ, बढ़ाते हैं। और लेकिन इसके बाद करना क्या है, मैं कहता हूँ कि आप जो है, आप जो काम कर रहे हैं, आप बाबा साहब ने जो कहा था, क्या हमारी जो लड़ाई है मनु से और चाणक्य से, वो चाणक्य की लड़ाई का आप पत्थर का ईंट से जवाब दे रहे हैं, आप विकल्प दे रहे हैं। हम सिर्फ शिकायत नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ स्यापा नहीं कर रहे हैं, हम उसका विकल्प दे रहे हैं, और ये बहुत क्रांतिकारी काम कर रहे हैं आप। वो साथी आपको जय भीम और इनकलाब जिंदाबाद दोनों। तो ब्रह्मा साहब, आप तो लखनऊ में रहते हैं जी, और इनसे जो है मुलाकात इधर हाल फिलहाल हुई है जी, तो जरा आगे आ जाइए, थोड़ा आगे जुड़िए, हाँ आराम से थोड़ा सा। ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं इसमें दलित समाज में सरकारी नौकरी और राजनीति के अलावा कोई और मुद्दा बहस नहीं है, व्यवसाय को लेकर, प्रोफेशनल कामों को लेकर, तो आप पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या होगी, कैसे देख रहे हैं? अप्रिशिएट करेंगे कि कम से कम, देखिए एक बाबा साहब ने कहा था कि तीन प्रकार के बल होते हैं, एक मनुष्य बल जिसमें बहुत काम करता है, एक धन बल, एक शक्ति बल। तो जब मनुष्य बल जो है वो जब इकट्ठा एक जगह रहेगा तो उसको अपने आप में सुरक्षा भी महसूस होती है
और इसके साथ साथ वो आगे बढ़ना चाहता है, उसको इस प्रोटेक्शन, जैसे घर में परिवार में होता है दीवारें क्यों बनाई जाती है कि प्रोटेक्शन लोग चाहता है, ये मनुष्य का स्वभाव है। तो यदि इस तरह से कि सभी कम्युनिटी जो खासतौर से दलित वर्ग, जिसको आप दक्षिण टोला कह रहे हैं, मैं उसको पीछे आ रहा हूँ कि दक्षिण टोला क्यों कहते हैं इसको। दक्षिण टोला दरअसल हर गाँव में दलित बस्तियां दक्षिण टोला, पश्चिम टोला मुसलमानों का होता है। हम बता रहे क्यों, क्योंकि देखिए अभी भी शहरों में आप जाएंगे या गांव में जाएंगे तो दक्षिण मुखी मकान नहीं लेते हैं लोग, कहते हैं क्यों, क्योंकि उसको अशुभ मानते हैं और अशुभ से रिलेटेड करते हैं। तो जो ये हिंदू परंपरा है तो कि भाई ये सब है, सब निकृष्ट लोग हैं, अछूत लोग हैं, सब अशुभ हैं, एक हिसाब से उनको पूरा डिनाइल है कि आप एग्जिस्टेंस में ही नहीं है। तो दक्षिण टोला इसलिए, अब मैं तो कोशिश करता हूँ कि मुझे कोई मकान मिल जाए तो जिसको दक्षिण मुखी हो, और लेकिन इसका लोग वही लोग विरोध कर पा रहे हैं जो वैज्ञानिक रूप से सोच रखते हैं। शिक्षा की बात आ रही है, इन्होंने तो बड़ा अच्छा उद्देश्य लेके चल रहे हैं कि लोग यहाँ पर शहरों में आएं और शहरों में उस उद्देश्य के साथ आएं कि वो जातिवाद का दंश जो गांव में झेल रहे हैं उसको खत्म करें, खत्म करने के साथ अपनी जो जनरेशन है उसको हर तरह के एक एक्सपोजर दे सकें, नौकरियों के साथ साथ बिजनेस कैसे कर सकता है आदमी। देखिए जब कल्चरल एक जो एक कल्चर दूसरे कल्चर से मिलता है तो निश्चित रूप से एक फ्यूजन होता है, और फ्यूजन का हमेशा कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव आउटकम आता है। तो कल्चरों का आपस में मिलना, आप यदि एक कोठरी में बंद होकर अपना कल्चर लेके बैठे रहेंगे, दूसरे कल्चर से इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो कभी वो कल्चर मर जाएगा, धीरे धीरे विकास नहीं करेगा। तो सिद्ध कल्चरल हेरिटेज जो एक रही है हिंदुस्तान में, खासतौर से बहुजन समाज की, बहुजन में दलित, पिछड़ा, ओबीसी, अल्पसंख्यक, जिस सब लोग जो इतना बड़ा जितना आर्ट क्राफ्ट इकोनॉमी डेवलप हुआ यही लोग किया है ना। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ब्राह्मण का काम तो पढ़ना था खाली, बिल्कुल, क्षत्रिय का लड़ाई करना था। अरे हिंदुस्तान हसुआ कुर्पी जो बनाया किसने बनाया, बिल्कुल, और हिंदुस्तान बनाने वाले लोग हैं ये। आप हिंदू, वो लोग तो क्या है, वो लोग बस बैठ के मंदिर में मटकों में घंटा बजाइए। उन्होंने उन्होंने जो किया है जी कि शूद्रों को बाहर रखा था, औरतों को बाहर रखा था, 1000 आदमी तलवार लेके आए, सारे देश में कब्जा कर लिया, तो वो किसकी वजह से, बिल्कुल, और आपस में लड़ा देना। देखिए सबसे बड़ा खतरनाक जो ब्राह्मणवाद है वो क्या है कि वो फूट डालने का काम करता है बहुत जल्दी। वो जानता है कि इनको यदि ये संगठित हो गए, बाबा साहब बार बार चिल्लाते रहे ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज, ठीक है, तो ऑर्गेनाइज इसलिए हो रहे हैं कि आप जैसे ही आपको लगेगा, आपने गांव में देखा होगा बौद्ध जी तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, शहरों में आके भले उनका माइंड से थोड़ा चेंज हो रहा हो, एक चमार जो है ना दूसरी जाति से वो करेगा, वो ब्राह्मणवाद धीरे धीरे उसमें भी कल्टीवेट हो जाता है और वो नहीं सोचता है कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन बाद में जब थोड़ा बहुत पढ़ लिख जाता है तो कहता नहीं यार ये तो हम गलत कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन आपस में क्यों कर रहे हैं, जिस डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ लड़ रहे हैं, पूरी जंग है उसके खिलाफ आपस में नहीं कर रही है। तो आप ये बौद्ध जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि सभी जातियाँ, खासतौर से जो बहुजन जातियाँ हैं उनके लोगों को ला रहे हैं एक साथ और एक साथ बसा रहे हैं शहर में, इसके लिए साधुवाद के रियली पात्र हैं लखनऊ जैसे शहर में। एक बात है, उत्तर प्रदेश में जाट वो चमारों की संख्या ज़्यादा है और ज़्यादा नौकरियों में भी पढ़े लिखे भी हैं, तो आरएसएस बीजेपी ने बढ़िया से खेल किया, जाटव बनाम गैर जाटव किया, ठीक है, ये गया है मैसेज, लोग बीजेपी को वोट करते हैं जो कि उनकी पूरी हकमारी कर रहा है, पूरा रिजर्वेशन खत्म कर रहा है। रिजर्वेशन एक जाति के लिए नहीं था, जमात के लिए था, और जमात में जो जिसको इंजीनियर आर्किटेक्ट बनना है उसको कोर्स पढ़ना पड़ेगा, इसे बिना पढ़े हुए तो कोई बनाएगा नहीं। तो यहाँ जो लोग जिस तरह के लोगों को आप अलॉट करते हैं सब जाति के लोग हैं, और कोई कभी कोई आपके सामने कोई ब्राह्मण या अपर कास्ट कोई मकान या जमीन लेने आया, ये लैंड क्या ये दलित लैंड है? एक्चुअली क्या है ना, देखिए जो जमीनें सस्ती होती हैं, हम ये देखते हैं कि हमारे समाज का जो बजट है वो सबसे लोवेस्ट स्तर पे होता है, तो हम उस लोवेस्ट स्तर का बजट बनाएंगे तभी उसमें फिट बैठेगा। तो वो जमीन सामान्य जाति की भी होती है। अच्छा, लेकिन होता क्या है कि जैसे आप देखिए कि ये सामने वाले मकान है ना, ये सामने वाले मकान बिल्डर ने बनाया है, तो ये जब एक लेने आए थे तो एक सामान्य बिरादरी से थे, तो पूछे कि बताइए कि 2 लाख रुपया भी आना भी दे दिए, तो एक ये झंडे वाले कौन है, तो कहे ये प्रोफेसर हैं, चमार हैं, तो वो अपना काम ऐसा करो कि हमारा बयाना दे, हम यहाँ नहीं रहते।
इसीलिए ये सवाल मैंने पूछा कि वैसे लोग आते हैं आपके पास या इस मोहल्ले में दक्षिण टोला है, सोचते हैं कि ये समता, ये जो बसा रहे हैं वो समता समानता युक्त समाज का जो जो प्रकृति के नियमों को मानेगा कि प्रकृति ने सबको हवा पानी सब चीज सेम दिया है ना, तो ये वो बात करेंगे जो बसा रहे हैं वो भी यही बात करेगा। और हमारा धंधा किस पे चलता है, हमारा धंधा तो विषमता पे चलता है ना, उनका जो धंधा चलता है वो किस पे चलता है जी, बांटने पर, बांटने पे चलता है ना, वो तो भेदभाव पे चलता है, वो तो जाति जनक पे चलता है कि भाई बिना वो पढ़ाई किए उसको सब लोग नमस्कार कर रहे हैं, पैर छू रहे हैं, सर लगा के कर रहे हैं कि नहीं, तो वो सोचता है कि यार इस मोहल्ले में बसो ही ना, ना इनके आस पास 500 हमारे जितने कॉलोनी बसा रहा हूँ 500 मीटर के दायरे में विषमतावादी नहीं बसना चाहता, सोचता है कि ये लफड़ा कौन झेलेगा, अभी रोज सुनना पड़ेगा, रोज सुनना पड़ेगा ना। तो आपके पास आता नहीं है कोई एक आध एग्जाम्पल ऐसा कोई? नहीं नहीं आता ही नहीं, वो झंडा देखे जितना झंडा लगा देगा इतना ऊंचा, तो वो 500 जहां तक अभी झंडा का वीडियो दिखाऊंगा मकान के ऊपर चार मंजिले में लगा हुआ बड़ा झंडा है और ऊपर से विजुअल्स आपको मैं दिखाने वाला हूँ। चलिए सर, तो लखनऊ में कैसे आए हैं, कबाब खाने आए हैं कि कुछ और? नहीं, नहीं, कबाब तो उधर हम गए ही नहीं, हम लोग आए थे डॉक्टर रतनलाल और मैं आए थे और फिर यहाँ से लखनऊ से साथ मिला डॉक्टर साहब का, हमारे फिलोसफी के एसोसिएट प्रोफेसर भाई का, हम लोग गए थे डुमरियागंज। डुमरियागंज एक बहुत ऐतिहासिक जगह है, वो ऐतिहासिक जगह ये 1857 की जो लड़ाई थी और ख़ासतौर पर जो वहाँ के दलित जिनको हम कहते थे वो जातियाँ मुसलमानों के साथ मिलकर, और उसी जाति के लोग भी थे, कुछ रानियाँ भी थी लेकिन अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े थे और वो शहीद हुए थे। तो वहाँ पर एक अल्पसंख्यक एससी एसटी ओबीसी की विचार गोष्ठी रखी गई थी, यानी थी पब्लिक मीटिंग लेकिन वो विचार गोष्ठी थी, और विचार गोष्ठी में हम लोग गए थे वहाँ पर और काफ़ी अच्छे तरीके से इंतज़ाम किया गया था। और मज़े की बात यह है कि पहली बार मैं कुछ पढ़े लिखे समाजवादियों से मिला, यानी समाजवादी पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ, तो उन लोगों ने उसको ऑर्गेनाइज किया था, पढ़ने लिखते पढ़ने लिखने वाले लोग थे, उसी वजह से हम दोनों को बुलाया भी था, तो बहुत अच्छा लगा। और वो सारे थियोरेटिकल सवाल कि हमने जो हम बहुजन है, जैसे मेरा ये मानना है कि इस देश में जो मुसलमान हैं वो सारे के सारे बहुजन हैं, वो सारे के, और वो लगभग 18-19 करोड़ हैं, और अगर वो इस लड़ाई में शामिल हो जाएंगे तो कितनी ज़बरदस्त लड़ाई हो जाएगी, लेकिन बदकिस्मती से उनको एक कम्युनिटी के तौर पर कर दिया गया। तो जो हम थियरी में बात कर रहे थे हम उसका तदारक उसको कहते हैं फारसी में, उसका जवाब हमने मूर्त रूप से यहाँ देख रहे हैं, और मैं फिर आपसे बता रहा हूँ कि यकीन नहीं आ रहा। एक बात और बताना चाहता हूँ डॉक्टर साहब कि बसावट आपकी बंधुता देती है, बिल्कुल बसावट जो है, और ये जो आप करेंगे ये कितने जनरेशंस तक चलेगा, ये बहुत ज़बरदस्त काम किया है बुज भाई साहब आपने, धन्यवाद आपको। शमसुल साहब का जो पूरा व्याख्यान है अम्बेडकर नामा पर सुनेंगे आप, तकरीबन 50 मिनट का व्याख्यान है डुमरियागंज का, लेकिन एक आखिरी सवाल लेता हूँ। आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई किए, आप अब रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, जमीन बेच रहे हैं, इसके अलावा आप ये गाना भी बनवाते हैं, कैसेट बनवाते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं और लोगों को गाना सुनवाते हैं जी, तो ये सब कलाकारी कैसे आई? असल में क्या है, देखिए कि ये मान्यवर साहब ने हमसे कहा था, ये मान्यवर साहब की देन है, वो असल में वो सांस्कृतिक जागरण के लिए जागृति जत्था जिले जिले बनवाए थे, कांशीराम साहब ने जिले जिले जो है क्षेत्रीय भाषाओं में लोग महापुरुषों के जीवन संघर्षों को गाते थे अपने अपने भाषा में, कोई बिरहा में गा रहा है, कोई नौटंकी से गा रहा है, तमाम विधाएं थी ना। तो उसको मैंने क्या किया कि सोचा कि इसको मैं इंजीनियरिंग का रूप दे दूं, तो मैं जा करके पूर्वांचल में गाजीपुर आजमगढ़ मऊ बलिया ये सब गायकों का बेल्ट है काफी, उसमें ऑडिशन कराया मैंने, कई ऑडिशन करा के 100 कलाकार छांटे, लड़का लड़की मिला के नए बैच वाले, और 20 से ज़्यादा हमारे पास लिखने वाले हैं, फिर स्टूडियो रिकॉर्डिंग सेंटर सेलेक्ट करके और इन महापुरुषों के जीवन संघर्षों को विभिन्न धुनों में, और धुनें कैसे सेलेक्ट होती हैं,
उसमें ऐसा होता है कि जैसे हर सीजन की धुन आती है लेटेस्ट, हर सीजन की धुन बदल जाती है। अब पिछले वाला सुनेंगे तो नहीं मजा आएगा। तो हम शादी ब्याह में जाते हैं तो देखते हैं कि बारात सज के वहाँ तक आती है मेन, तो उसमें जो है डांस होता है, लड़का लड़की डांस किए करते हैं ना, जो भी सगे संबंधी होते हैं वो डांस करते हैं, और उसी में थोड़ा बहुत जो दवाई वाई मारे होता है तेज डांस करता है। तो उसमें जो धुने बजती हैं उसको मैं नोट कर लेता हूँ। फिर ऐसा मैं एक सीजन में 5-7 बारात में करता रहता हूँ, तो फिर उस धुनों को सेलेक्ट करके जो कॉमन धुने आती हैं, जो सार्वजनिक हो गई, कि वो जान जाता हूँ कि इस धुन, इस साल की ये धुन है। फिर अपने कवियों को बताता हूँ कि इस धुन पे गाने बनने हैं, और बुद्ध अम्बेडकर के गाने बनने हैं इसी धुन पे। फिर वो सेलेक्ट होकर के आता है, एकदम जब म्यूजिक बजती है तो तुरंत जो है युवा वर्ग के दिमाग में वो बात सेट हो जाता है, और उसी का नाम बहुजन सुर संग्राम पड़ा। वो किस तरह से सफल हुआ जरा वो भी बताइए ना। तो ये जो है एक्चुअली क्या है कि मैं उसकी डिजाइन जब करता था तो बहन जी की जो रैलियां हुआ करती थी उसमें जो है, क्योंकि बहुजन समाज खूब इकट्ठा होता था, 10 लाख 20 लाख की जो भीड़ आती है वो उस समय आया करती थी, तो ये कैसेटें उस समय जब चलती थी तो उसमें मैं इस तरह से गाने सेट करता था कि जैसे 4 गाने बुद्ध जी पे होंगे, तो 4 बाबा साहब पे, 4 कांशीराम साहब, इस तरह से करके 4 बहन जी पे हो जाता। तो बहन जी की रैली में बहन जी वाला बजाते थे, लेकिन कैसेट तो सामूहिक जाएगा ना पूरा, तो जब घर पे ले जाएगा वीडियो में जाएगा ना, तो उसमें से वो वीडियो देखेगा तो सबका गाना सुनेगा इकट्ठा, डीवीडी का जमाना था। और उसी में मैं नीचे लिख देता था, स्क्रीन पे एक पट्टी चला देता था कि बीटेक पॉलिटेक्निक बीबीए एमबीए है ना, ये निःशुल्क एडमिशन के लिए प्रोफेसर आरबी सिंह गौतम से मिले हैं, मोबाइल नंबर चला देता था। तब वो वीडियो का वाला कैसेट ले लेके लोग हमसे इंजीनियरिंग कॉलेज में आके एडमिशन करवाते थे जी। तो ये दोनों काम एक ही साथ, महापुरुषों का जीवन संघर्ष भी चला गया, और जितना ये देखिए जितना भी आप सुनेंगे, जितना आडंबर वाली कथाएं, जितना बाबा लोग कर रहे हैं अपना जो भी कथा सुना रहे हैं, सब ऑर्केस्ट्रा पार्टी लिए हुए हैं, खूब म्यूजिक सिस्टम से चलता है। तो ये जब ये म्यूजिक सिस्टम पे महापुरुषों का विचार डालेंगे ना तो इजीली एक्सेप्ट करेगा। दलितों के पास शमशुल साहब कल्चर है गाने की लोक भाषाओं में, लेकिन जिस मैसिव तरीके से होना चाहिए था कल्चरल अवेकनिंग का प्रोग्राम, चूंकि आप रंगकर्मी भी हैं तो एक टिप्पणी इस पे कि नहीं, मैं क्या बताऊं, समझ नहीं पा रहा हूं कि कैसे अपनी जो जज्बात है उसको कंट्रोल करूं। गर्मियों की छुट्टियों में दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हुए हर 2 महीने हम पूरा ये पूर्वांचल आ जाते थे और जो गाने और धुने जमा करते थे उसको सारे देश में फैलाते थे। मैं आपको मराठी में एक कथा बता रहा हूँ दलितों के बीच में जो बहुत पॉपुलर है और कैसे हम सब जगह जी रहे हैं। कथा है कि ब्राह्मण के घर में पोथी होती है और सोना होता है क्योंकि वो सारा चढ़ावे के बाद। बनिए के घर में अनाज होता है और पैसा होता है। बहुजन के घर में गीत होता है, बहुजन के घर में गीत होता है, और ये गीत जो है ये गीत फिर कॉन्शियसनेस में बनाता है और उसके बाद फिर लड़ाई के लिए जाता है। हमने एक सांस्कृतिक पहलू को छोड़ा नहीं, और आप देखेंगे कि ये ब्राह्मणवादी या जो भी धार्मिक पाखंडी हैं, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, वो इसका बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं, जो जन विरोधी है, जो जनता विरोधी है। लेकिन अच्छा वो क्यों रुक गया काम, किया ये क्या हुआ? वो जो गानों का था वो चल रहा है, बहुजन सुर संग्राम इनका यूट्यूब भी है। अच्छा जी, हमारा चैनल चलता है। चलिए राजेंद्र जी, हाँ एक फाइनल कमेंट कि ये क्यों सर चलता है, इसके पीछे यदि आप देखा जाए कि आप साइंस भी ये कहती है कि साइकोलॉजी भी ये कह रही है कि हम पिक्चोरियल फॉर्म में चीजों को बहुत जल्दी ग्राफ करते हैं जी, और उसका एक्सटेंशन और डेवलपमेंट भी बड़ी जल्दी होता है, बहुत तेजी से। किताब कॉपी पढ़ के हो सकता है कुछ देर बाद बोर हो जाए आदमी और ना ज्यादा ग्राफ करे, लेकिन आप पिक्चर देख के आपको पूरी स्टोरी याद हो जाती है क्या घटनाक्रम हुआ। तो इसलिए इन सबको सांस्कृतिक विरासत में गीतों का, विरहों का और जितने भी नाट मंचों का बहुत बड़ा योगदान होता है, और खासतौर से आंदोलन खड़े करने में, जन जागृति पैदा करने में। तो आप लोग बड़े जहीन लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं कि इतना। वाकई अगर आपको हुक्मरान बनना है और रियल सत्ता चाहते हैं तो सांस्कृतिक आंदोलन को भी बहुत तेजी से मजबूत करना होगा। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर नामा। आप सभी का शुक्रिया। जय भीम।